ठीक है भाई, मैं लगा देता हूँ, मार्केट में बम लगाता हूँ, ठीक है। कितने बजे का टाइम लगाना है? 7 बजे का। हाँ भाई, काम हो गया समझो, भाई ने बोला है 7 बजे का बम लगाना है, तो अपन लगाते हैं 9 बजे का, क्योंकि इंडिया है, लोग 7 बजे का बोल के 9 बजे आते हैं, इधर लगाते हैं बम, भीड़ भाड़ है। तू नहीं ना हस्ती मेरे एक्ट में, तेरे दांत उड़ेंगे, तेरे को पता चलेगा। अभी लग गया इधर बम, अब मैं जाके किसी दूसरी मार्केट में लगा रहा, साइकिल लेके जाता हूँ, किसी को शक नहीं होएगा। रुको रुको प्लीज, गाड़ी रोको, अरे अरे रुको प्लीज, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ये बात तो मेरे को बोलनी चाहिए, ये ऑटो रोको, टेम्पो रोको, क्या प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट कहीं पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? हॉस्पिटल, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। तो उसके साथ ही क्यों नहीं चली गई? तेरे शर्म नहीं आती? माँ तेरी अस्पताल में यहाँ खड़ी लिफ्ट मांग रही है। मेरी माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे मेरा भी कुछ ऐसा ही मसला है, तुमने मेरे पास भी कुछ ऐसा ही सामान है। देखो अगर ये टाइम पे नहीं पहुंचा, हजारों गरीब लोगों की जान बच सकती है। अगर तुमने मुझे टाइम पे पहुंचा दिया तो मेरी माँ की बहुत सारी दुआएं मिलेंगी तुम्हें। प्लीज दुआओं का मैं क्या करूंगा, ठुल्ली चल निकल यहाँ से। लगता तुम भूल रहे हो, जहाँ पे दवाई काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। तो फिर माँ को भी गुनगुने पानी में दुआ डाल के देते थी, अस्पताल क्यों लेके गई इसको, खर्चा क्यों किया उस पे? कितने बदतमीज आदमी हो तुम, बदतमीज। यस आई एम, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा दादा था ना जो, मेरे से बड़ा बदतमीज था वो। है? सड़क पार करता था ना, ट्रैफिक थी, लोग रास्ता नहीं देते थे, बीच सड़क में पजामा निकाल देता था वो। फिर लोग उसको देखते रहते थे, वो सड़क पार करके निकल जाता था। और दादा तो कुछ नहीं, दादे का जो बाप पर दादा, वो भी पजामा उतार देता था। अरे नहीं, वो नहीं, वो तो पहनता ही बीच सड़क में जाके था। चल हटना भी यहाँ से। अरे प्लीज, क्या प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो। आए है, क्या शेर आया है। आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ दूं, आए है आए, आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ दूं, जानम तेरी याद में खाना पीना छोड़ दूं। अब मेरा दिल करता है चूहा, मेरा दिल करता है चूहा तेरे पजामे में छोड़ दूं। बुड्ढे तो मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे काम नहीं। इसका पजामा उतर है, तुम्हारा दादा आ रहा है। ए, मेरा दादा नहीं है वो। पर इसका तो पजामा उतर है। तो तेरा क्या मतलब, जो आदमी पजामा उतारे मेरा दादा है? इसका तो मतलब फिर रेलवे पटरी पे हजारों लोग बैठे पजामा उतार के, वो मेरा दादा है क्या? सब पागल है। अजय भाई, अपनी वाइफ को डांट क्यों रहे हो? ए चाचा, मेरी वाइफ नहीं है ये। वाइफ नहीं है? वाइफ नजर आ रही है, शक्ल मिलती मेरी। डालेंगे डराओ, वाइफ नहीं है ना? ना भाई, एक बार बताओ, दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? इसी मुद्दे पे झगड़ रहे थे कि ये जो आजकल के बुड्ढे होते हैं, इनको टांग अड़ाने की क्या जरूरत है लोगों के मामले में। यार देखो, तुमने तो हम पर लाइन पटक दी। हाँ तो आपको क्या लगता है, आप ही लाइन लिख सकते हैं, हमें नहीं आता। चल हट जा, अपना काम कर जाके। हाँ वही करें भाई साहब, एड्रेस बता दो, एड्रेस नहीं मिल रहा है हमें। मैं अपने काम से लेट, कौन सा एड्रेस? एक काम करो, ये सीधा जाओगे, उधर रेड लाइट मिलेगी, जैसे ग्रीन सिग्नल होएगा चलना शुरू कर देना, कहीं ना कहीं से कोई ट्रक आएगा मारेगा, उधर ही पहुंचा देगा जाना। साला पागल कहीं का। अजय जी तो डरा रहे हैं। वैसे मोहतरमा, आप कहाँ जा रही हैं? अंकल देखिए, आज रिक्शा साइकिल सबकी हड़ताल है और मुझे सिटी हॉस्पिटल बहुत अर्जेंट पहुंचना है, प्लीज कुछ कीजिए ना। आप भी सिटी हॉस्पिटल जा रही हैं? हाँ। हम भी सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, दोनों सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। वैसे मोहतरमा, आप भी वहीं जा रही हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं, तो भाई साहब हम दोनों को लिस्ट दे दो। बैठो यार, दबाव ना खाओ मेरा। चलो 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 चलो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है आप? पीछे कितने का पीछे बैठो, पीछे बैठ गई, पूरा का पूरा उपग्रह बैठ गया मेरे साइकिल पे। खराब साइकिल, खराब। इधर बैठो तुम, आगे बैठो, बैलेंस रहेगा तुम। पागल कहेंगे, तो लिफ्ट मांग रहे थे, बैठना भी नहीं आता, लिफ्ट मांग रहे। ए ए छोड़ देना, छोड़ छोड़ छोड़, मेरा पैर आ गया नीचे। ए, इस पे बैठ, बैलेंस रहेगा। साइकिल कहाँ गया? ए उतरा नीचे, क्या यार, ये देखो गद्दी का क्या हाल किया, शर्म के मारे मुंह नहीं उठा पा रही हो। ए अंकल, अंकल आगे से भात डाल के रखना। अब ऐसे बरकुदार करते क्या हो तुम? जैसे बुड्ढों को लिफ्ट देगा ना, ट्रक में मारता हूँ मैं, चुपचाप बैठा रहे। अजय अजय तुम तो भड़क रहे हो, वैसे यार इस थैले में क्या है? इसमें आम है, आम बच्चों के लिए।
ये घड़ी वाला आम पहली बार देखा है। वो कहेगी ये जर्मनी से लाया हूँ हाफूज आम, तो ये 12 घंटे बाद खराब हो जाते, तो अलार्म लगाया होता है ताकि पता चल जाए। अच्छा चाहे काम करो, यहाँ से लेफ्ट ले लो। लेफ्ट क्यों, अपने को तो सीधा जाना ना। नहीं नहीं, वो लेफ्ट में पुलिस स्टेशन आता ना पहले, वहां जाएंगे। क्या? यस, यू आर अंडर अरेस्ट। ए, मैंने तुम लोगों को लिफ्ट दी, तुमने मेरी पीठ में गन घोंप दी। अरे अगर किसी ने मेरे को रोकने की कोशिश की तो मैं ये बम फोड़ दूंगा। एक मिनट, तुमने शायद हमको पहचाना नहीं। माय नेम इज लल्लन, इंस्पेक्टर लल्लन। और मैं इंस्पेक्टर भूषण तिवारी उर्फ अमित जोसेफ दीवाना। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं बम फोड़ दूंगा। मेरी बात सुनो, मैंने ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं लगाया। मेरे सरकार से कुछ पंगे हैं, हम लोग इतना इतना टैक्स भरते हैं सड़कों के लिए, सड़कों में कितने कितने गड्ढे हैं, इसलिए बम लगाया मैंने। अरे बेवकूफ, जहाँ ये बम पटकेगा वहाँ इससे भी बड़ा गड्ढा हो जाएगा। वो सब मेरे को नहीं पता, मैं अपने बम फोड़ूंगा तुम्हारे गड्ढे देखूं। मेरे को सरकार से बदला लेना है। मेरे को कल पुलिस बिना मतलब के पकड़ के ले गई। मैं अपने घर में बैठा नोट छाप रहा था, मेरे को आगे बोलते नोट नकली है। अबे मैंने कहा नकली नहीं असली है, कहते नहीं इसमें चांदी की तार नहीं है। मैं कहा चांदी होती तो मैं नोट क्यों छापता। मेरे को पकड़ के अंदर डाल दिया। और मेरा कसूर क्या था, अपने देश के नोट छाप रहा था। मैंने कहा इतने सारे नोट छाप के अमेरिका जाऊंगा, उनके सारे डॉलर खरीदूंगा, उनको गरीब करूंगा, अपना देश अमीर, ये सालों के भेजे में बात नहीं पड़ती। मेरे को अंदर डाल दिया, मैं क्या करूं। लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? हाँ, मैंने बताया ना मेरी कुछ डिमांड्स है, सरकार पूरी कर दे मैं हट जाऊंगा, मैं बम नहीं फोड़ूंगा। मेरी बहुत सारी डिमांड है। एक तो मुझे वो पेन चाहिए, वो जिससे मैं कुछ भी लिखूं सच हो जाए। तो ये तुम्हारी मांगे सरकार से है या जादूगर पीसी सरकार से है? मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा, तेरी जुबान बड़ी चल रही है, बकवास नहीं करनी मेरे साथ। मेरी और भी डिमांड है। क्या? ये मेंटल फिल्म आ रही ना, उसमें से सलमान खान को निकाल कर मेरे को रखो। कितने वाला म्यूजिक? वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सोहेल खान ने आधी मेंटल फिल्म शूट कर ली है। ए, मेरे को मेंटल मत बनाओ, इधर सारा सारा दिन सोता रहता था, उधर इतना फास्ट काम, झूठ बोल रही है मेरे को। देखो तुम सरकार का इतना नुकसान क्यों कर रहे हो? मेरे को सरकार के पंगे, मेरे को सरकार ने धोखा दिया है। सरेआम लिख के रखा है रेलवे आपकी संपत्ति है, अब अपनी संपत्ति में से उठा के एक पंखा मैंने बेच दिया, मेरे को अंदर कर दिया। ये को बात है, देखो 3 साल अंदर रखा मेरे को, मैं थप्पड़ मारा मेरी बात पूरी होने दे, 3 साल मेरे को अंदर रखा उन्होंने। और रोज मेरी जो पिटाई हुई वो अलग, मुझे वो अपने 3 साल वापस चाहिए, मेरी जो पिटाई हुई वो मुझे वापस चाहिए। अच्छा, तो ये पागल लग रहा है। हाँ हाँ पागल, तो तू मुझे मोटी तेरी नाक में पिस्तौल चलाऊंगा गोली में। इधर गोली मारूंगा ना, इधर बिंदी वाली जगह से निकलेगी बाहर। मेरे को पागल क्या कर रहे हो? पागल तो मुझे कहा हो गई। अरे रेलवे स्टेशन पे बम लगाने गया मैं, मेरे को कहते इधर नहीं लगा सकते, मेरे को पकड़ लिया उन्होंने, कहते तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। तो मैंने कहा मैं प्लेटफॉर्म टिकट क्यों लूंगा, मैं तो बम लगाने आया हूँ, मेरे को तो नहीं प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ेगी। एयरपोर्ट पे गया, कहते यहाँ पे ये चीज अलाउड नहीं है, हम जाए तो जाए कहाँ। या तो हमारी मांगे पूरी करो या हमें कोई खुली ग्राउंड दो जहाँ हम अपने बम फोड़ सके। देखो मैंने टाइम देखा था, सिर्फ 10 मिनट रह गए बम फूटने में, इसलिए बोलता हूँ जल्दी बताओ, मेरे को डर लग रहा है। लेकिन ये मत भूलो कि ये बम फटेगा तो साथ में तुम भी, झिंक झिका झिंक झिका। तो जिंदा रह के भी मैं क्या करूं? रुको। हाँ माँ, इधर आ। हाँ माँ, क्या आ रहा हूँ थोड़ी देर में घर, तुम कहाँ हो? बड़ा बाजार। माँ वहां से निकलो, मैंने वहां पे बम लगाया हुआ है, एक डिमांड मेरी और है, मुझे एक बम डिफ्यूज करने वाला बंदा चाहिए, मेरे को बम नहीं डिफ्यूज करना आता। मेरी माँ, वाह अपनी माँ पे बारी आई तो मुझे बम नहीं फोड़ना। याद रखो जहाँ तुमने बम लगाया है वहां भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा। यही बात बताने के लिए हमने आज का एक्ट किया है कि जो बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं बम लगाकर, सालों कभी अपने घर में लगा के देखो, तुम्हारे अपने लोग मरे तो तुम्हें पता होगी क्या होता है दम। वाह, गिद्दे वाला म्यूजिक। वाह, ये मोटी इधर अच्छी अच्छी बातें हो रही, तेरी एंगेजमेंट नहीं हो रही, नाच रही बार बार। अरे ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, छीनने का हक भी सिर्फ उसी को है। ये धर्म और जिहाद के नाम पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये बातें मंत्रा से मुंह से सूट करती हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो कोई मंत्रा कोई मंत्री हम विश्वास नहीं कर सकते। जय हिंद। हाँ।